हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज हो गया मंडे। आज का व्लॉग थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के 3 बजे हैं अभी और नोनी थोड़ी देर पहले ही सोया है। उसको सुलाने के बाद वापस मैं आई हूँ दूसरे वाले रूम में। और जैसे कि मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने अपना ड्रेसिंग कैबिनेट वापस से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, मतलब कि अपने कॉस्मेटिक्स उसमें रख लिए। लेकिन मेरा ये बैड लक रहा, नोनी ने वो सारी चीज़ें देख ली थी और बस उसी के पीछे पड़ गया था। बार बार यहीं पर आ रहा था, कुछ ना कुछ वो उठा के ले जा रहा था। नेल पेंट, लिपस्टिक और लिप बाम तो उसने मेरा पूरा ख़राब ही कर दिया है। और बार बार नेल पॉलिश उठा के ले जा रहा था, तो मुझे डर ये लग रहा था कुछ चीज़ें ख़राब कर दे या तोड़ दे। तो इसीलिए वापस से मैंने उसको रीऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसमें कपड़े रख दिए हैं और कॉस्मेटिक्स मैंने वापस ऊपर रख दिए। तो मजबूरी है, मजबूरी में मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी दोबारा से। एनीवेज़ मैं किचन में आई हूँ अभी, नोनी तो सो ही रहा है। मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी, जैसे कि मुझे ड्राई फ्रूट पाउडर बनाना था। तो सबसे पहले मखाना मैंने ड्राई रोस्ट करने के लिए रखे ही थे। थोड़ा सा 1 मिनट हुआ था, उसमें से इतने सारे कीड़े निकलने लगे तो मुझे लगा कुछ कीड़े होंगे, मैं इनको छान लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं बैठ के देख भी रही थी आराम से, उनको खोल खोल के, तोड़ तोड़ के, कहीं कीड़े ना निकले। लेकिन इसमें इतने सारे कीड़े थे ना, बहुत सारे, छानना मुश्किल हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला था और बहुत ज़्यादा ख़राब भी थे ये। लास्ट टाइम मैंने नहीं देख पाए क्योंकि जल्दबाजी में मैंने बना दिया, लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है उस चीज़ का कि मैंने देखे क्यों नहीं। क्योंकि घर जाने से पहले ये मखाने लेके रखे हुए थे मैंने, कुछ मैं घर लेके भी गई थी लेकिन वो बहुत सारे थे तो कुछ यहाँ छोड़ दिए थे मैंने, तो वो ख़राब निकले, वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए। फ़िलहाल काजू बादाम सबसे पहले 3-4 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और सिर्फ काजू बादाम का ही आज मैं पाउडर बनाने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने बनाया था पाउडर वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि दूध में डाल के हम भी पीते हैं और नोनी को भी मैं देती थी खाने में। इवनिंग शाम के 4:30 बज रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रही हूँ। नोनी अभी सो ही रहा है और वैसे वो उठ जाएगा थोड़ी देर में। बादल की ना यहाँ पर लेयर सी लगी हुई है पीछे, दिखाती हूँ बैग। यहाँ पे बादल एक लाइन से जा रहे हैं उधर को, इतने प्यारे लग रहे हैं ना इस तरह से। हमारे वहाँ घर में ना जब बादल लगते थे बहुत ही प्यारी प्यारी सी लेयर लच्छे लच्छे से बन जाते थे, मतलब बहुत सुंदर लगता था वो नज़ारा। और मौसम तो एकदम खुला खुला सा ही है, अच्छी धूप आई थी, अभी भी अच्छी धूप है, लेकिन हमारे यहाँ तो 1 बजे तक चली जाती। तो अंदर मैंने रखे हैं काजू बादाम रोस्ट करने के लिए। मखाने का मुझे नहीं पता था, मैंने पिछले बार भी ड्राई रोस्ट किए थे, दिनों इतने काम हो रहे थे जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने देखा भी नहीं, तो वैसे ही मैंने पाउडर बना दिया है। क्या आज सुबह घर के सारे काम जल्दी निपटा दिए, उसके बाद नोनी को करीबन 11:30 बजे नीचे लेके गई थी मैं सोसाइटी कंपाउंड में। तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छी धूप रहती है, कोई था भी नहीं वहाँ पर, 2-4 लोग थे। तो नोनी को थोड़ा धूप में इधर उधर घुमाया, थोड़ा धूप में वो खेला, तो इसी बहाने मैंने भी धूप सेक ली, नोनी ने भी धूप सेक ली। और हमारे रूम पे तो आती है सुबह 1-2 घंटा धूप रहती है अंदर वाले रूम में, हॉल में, और बाकी बालकनी में भी रहती है, तो धूप सेकने को मिल ही जाती है। इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ले लिया है मैंने सरसों का, और आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद। तो यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक, थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं, इनको मैं रोस्ट करूँगी कुछ सेकेंड के लिए। इसके बाद मैंने इसमें चॉप्ड अनियन डाल दिया है स्लाइस करके, और इसी के साथ मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। जब टमाटर हल्के से गल जाएँ, 4 से 5 मिनट में ढक के पकाऊँगी ना, तो टमाटर गल जाते हैं, इसका छिलका उतरने लगता है। फिर फ्लेम ऑफ़ करके इसका, जब ये ठंडा हो जाए, उसका अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी में पूरी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी कि पूरी रेसिपी शेयर करूँगी लेकिन टाइम ही नहीं हो पाया। थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद ग्राइंड करूँगी। और काजू बादाम भी ऐसे रखे हुए हैं रोस्ट करके, ये भी ठंडे होंगे, उसके बाद पाउडर बनाऊँगी। 5 बजने वाला आई थिंक, नोने को मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि कल भी वो 5:45 बजे तक सोता ही रहा और उसके बाद फिर वो रात में सोया है। बहुत मुश्किल करता है, इस वजह से ना थोड़ा सा उसका रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया यहाँ आने के बाद। घर पे एकदम उसका बहुत ही अच्छा सा रूटीन चल रहा था, वो खेलता था दिन भर, खेलता कूदता रहता था इधर उधर, और शाम को सो जाता था, दोपहर में भी आराम से सो जाता था वो। तो शाम को भी टाइम से करीबन 9-9:30 बजे से नींद आ जाती थी और सुबह 6-7 बजे वो उठता था। यहाँ आके थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है उसका। साढ़े सात बज गए, 7:30 से ज्यादा हो गया, नोनी के पापा आ गए ऑफिस से, उनको चाय बना के दी मैंने। और किचन इतना फैला हुआ है ना बहुत बुरी तरह से, यहाँ से लेके वहाँ तक,
एक तो मुझे यहाँ पे ना कुकटॉप थोड़ा छोटा लगता है, देहरादून में थोड़ा स्पेस तो था कुकटॉप पे, यहाँ पे वहीं पे सिंक होता है और वहीं पे मुझे खाना वाना बनाना होता है, तो मुझे बड़ा पास पास में लगता है यहाँ पे। तो सब्जियां भी मंगाई थी मैंने कुछ मिस्टर राउत से, आज वो गए थे रिलायंस फ्रेश, यहाँ पे सिर्फ सब्जियां और फ्रूट्स मिलते हैं, तो वहीं से मैंने कुछ मंगा लिया था। तो काफी सारी चीजें वो लेके आए हैं। उससे पहले ये मैं रोस्ट कर मतलब रोस्ट करके रखा है, पाउडर बना के रख देती हूँ, और उसके बाद शाही पनीर बन गया है, थोड़ी देर में फिर मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ, और 8:30 बजे तक हम लोग डिनर कर लेंगे। ये देखो नोनी ने ना काफी सारी मटर छीली है, इसमें से थोड़े मैंने छीले, थोड़े नोनी ने, आजकल उसको मटर छीलने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, उसने मुझे देखा मटर छीलते हुए, तो एक एक दाना निकाल के वो रखेगा और प्लेट पर रखता जाएगा, छिलके अलग करेगा दाने अलग करेगा। तो नोनी अभी मस्त होके आराम से अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, कार की वीडियोस देख रहा है। उसके साथ में ना हमें भी यही देखना पड़ता है आजकल, पहले तो ऐसा होता था नोनी को टीवी में उतना मतलब नहीं होता था, तो हम अपनी पसंद का कुछ ना कुछ लगा ही लेते थे, लेकिन अब तो वो खुद ही बार बार यूट्यूब लगा लेता है, मतलब उसको बटन भी पता है कौन सा स्विच दबा के हमने यूट्यूब लगाना है, तो वो उसको वही देखना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे काजू बादाम मैंने ग्राइंड कर लिए थे, इसको कंटेनर में फिल कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने शाही पनीर बना लिया था, बस रोटियाँ बनानी थी, और यहाँ पे हस्बैंड से मैंने सब्जियाँ मंगवाई थी, तो स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं, वो नोनी को बहुत पसंद है, हमारे गमले में लगी हुई थी मेरे मायके में ना, तो नोनी उसमें से तोड़ तोड़ के खा लेता था, मतलब कच्ची भी तोड़ देता था, तो इसीलिए आज फिर मैंने बोला स्ट्रॉबेरी लेके आना। और बनाना कुछ ज़्यादा फ्रेश नहीं थे, लेकिन बाकी सब्जियाँ काफ़ी फ्रेश थी और काफ़ी सस्ती भी मिल रही थी वहाँ से। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जियाँ वॉश करके मैंने रख दी थी, उनका पानी निथर जाएगा तो फिर सोने से पहले मैं उनको फ्रिज में लगा भी दूंगी, तो इस तरह से काम मेरा हल्का हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे करीबन 8 बज गए थे, तो रोटी बनाने का टाइम हो गया है, फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेंगे, फिर हम करेंगे डिनर करीबन 8:30 बजे के आसपास। और आजकल जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं हम लोग, जल्दी सोने तो नहीं देता है नोनी, लेकिन जल्दी बेड में आ जाते हैं क्योंकि ठंड होने लगी है ऐसे में ना, फिर सर्दियों में क्या होता है ना, जल्दी काम करके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाओ, रजाई के अंदर बैठे रहो आराम से, तो ऐसा सही लगता है। अब हमारे पहाड़ों में तो सभी लोग करीबन 8:30-9 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग तो 7-8 बजे ही सो जाते हैं। दिवाली, दिवाली में फुलझड़ी तो आपने जलाई नहीं, अब धनिया पकड़ के हिलाओ ऐसे, ये फुलझड़ी है क्या? हम लोग दिवाली में फुलझड़ी ऐसे जला रहे थे ना, दिवाली दिवाली ये लोग ऐसे किया ऐसे बोल रहा है दिवाली, और कह खुद ही धनिया पकड़ के ले आया और कह रहा दिवाली दिवाली। ओह नोनी की दिवाली धनिया पत्ता के साथ, नोनी को क्रैकर से इतना डर लगता है ना, जैसे आसपास में शादियां होती हैं और क्रैकर चलते हैं, उनकी आवाज़ से ऐसे कान बंद कर लेगा, आंखें बंद कर लेगा और छुप जाएगा ब्लैंकेट के अंदर। हस्बैंड रिलायंस फ्रेश से इतना सारा हरा धनिया ले आए थे, और ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेम्स है ना इसकी, तो जल्दी से मैंने इसको छान लिया और बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, तो ये चटनी वाला धनिया है, इसको आप पूरा स्टेम सहित ग्राइंड कर लो, बढ़िया सी चटनी भी बनती, फ्रेश था, तो जल्दी से मैं इसको छान के पन्नी में रख लूँगी फ्रिज में, फिर ना ये काम ऐसे ही रह जाता है, तो खाना खाने से पहले मैं ये काम करूँगी। और नोनी को तो इतनी मस्ती सूझ रही है, बस वो फुलझड़ियाँ जलाए जा रहा है धनिया पत्ता पकड़ के। तो फिलहाल रात के ढेर सारे काम निपटाने के बाद कुछ टाइम नहीं मिल पाया था, इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में, और अभी 7 बजे से पहले का टाइम है, अभी धूप नहीं आई अच्छे से, क्योंकि आजकल 7-7:30 बजे धूप आती है, और सुबह सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले बाहर जाके देखना खुला आसमान बहुत अच्छा लगता है, सनराइज़ होते हुए देखना बहुत प्यारा लगता है। तो अभी धूप आई नहीं थी, आने वाली थी कुछ देर बाद, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जो हो रहा है ना आसमान, और ऊपर से सफ़ेद बादलों की लेयर, कितना सुंदर लग रहा था। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं और आज धूप पूरी चली गई। हाँ करो करो, उन्होंने आजकल टूथब्रश कर रहा है, मतलब ब्रश करना सीख रहा है जब से उसका नया टूथब्रश आया है, और आज धूप ना पूरी तरह से चली गई है, बहुत बादल लगे हुए हैं, ठंडा भी हो रहा है। मैं सुबह सुबह नहा के आ गई, बस मैंने ना जल्दी जल्दी में क्लेचर लगा लिया क्योंकि 9 बजने वाला है, मुझे नाश्ता भी बनाना है, और नाश्ते में आज हम बना रहे हैं नानी, ये देखा हक्का नूडल्स, इसका पैकेट यहाँ से खुला हुआ है, उसे मैंने देखा ही नहीं, तो ये बनाएंगे, और नोनी के लिए साबूदाना की खीर, इसकी खीर 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है क्योंकि साबूदाना मैंने ओवरनाइट सोक किए थे, तो बहुत जल्दी पक जाते हैं इस तरह से। नोनी ब्रश, नोनी ब्रश, और पता है ये टूथपेस्ट जो है ना खा देता है, पूरा निगल लेता है, उसको थूकता नहीं है, निगल लेता है, इसका जो बेबी वाला टूथपेस्ट है आई थिंक उसका टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पे पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था 1-2 चम्मच,
ताकि नूडल्स स्टिकी ना बने। तो यहाँ पे मैं तोड़ के इसको ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं इसको फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं उबालना पड़ता है नूडल्स को, सिर्फ 80% आप कुक करिए, उसके बाद छान के निकाल दीजिए। ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है, एकदम खिली खिली सी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, प्याज डाला है, और सब्जियों में मेरे पास गाजर थी और शिमला मिर्च थी, और उसके अलावा जो सॉसेज होते हैं जैसे कि ब्लैक सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है नूडल्स। तो बस इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर। के 1 बज गए हैं और सुबह से इतना बिजी बिजी चल रहा था, मेरे इतने सारे काम हो रहे थे तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। नोनी मस्त होके खेल रहा है, टीवी देख रहा है अपने, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें, और घर पूरा फैला के रखा हुआ है। ये अभी मेरे पार्सल आया है, वो मैंने खोला था, और उसके अलावा नोनी ने टॉयज देखो। हाँ बेटा, अपने लिए मंगाए हैं ये शूज़। तो मेरे पास एक ही शूज़ था और वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, बाटा का, बहुत प्यारा है वो भी, अभी तक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, बहुत ही हल्का सा, लाइट वेटेड। इस बार मैंने थोड़े से डिफरेंट टाइप के लिए हैं स्नीकर्स, तो ये पूमा के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब थोड़े से हैवी लग रहे हैं मुझे, इतने हैवी और बड़े शूज़ पहनने की हैबिट नहीं है, लेकिन साइज़ मेरा परफेक्ट आ रहा है इसमें और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जीन्स वगैरह के साथ वियर करने के लिए, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ वियर करने के लिए अच्छा रहता है। तो अच्छा, नोनी अपनी बॉल भी दिखा रहा है, नोनी की बॉल, नोनी अपने टॉयज भी दिखा रहा है, लायन, और ये बॉल। एक गुड न्यूज़ और मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली दिव्या और उसकी फैमिली जो है उत्तराखंड से आ गए हैं और वो परसों ही पहुँचे थे, तो आज हम जा रहे हैं नोनी के फ्रेंड नोमी के घर, शाम को जाएंगे, क्योंकि अभी तो खाना वाना बनाने में 2-2.5 बज जाएगा, अभी खाना बन ही रहा है, खाना खाते खाते नोनी को सुलाते हुए 2:30 बज जाता है, फिर शाम को आराम से उठता है, लेकिन आज मैं उसको जल्दी उठा दूंगी और फिर हम लोग जाएंगे। और एक्चुअली मुझे फ़ोटोग्राफर के पास भी जाना है, उसकी सोसाइटी में जाते हुए रास्ते में उसकी शॉप है, तो वहाँ मुझे हमारा एक फ़ोटो फ्रेम है, अभी दिखाऊंगी मैं, जो हमारे बेबी की पिक्चर लगी हुई है ना, प्रेगनेंसी टाइम में मिस्टर राउत लेके आए थे, उसमें बेबी की पिक्चर लगी हुई है। तो मेरे पास एक बार बहुत पहले कमेंट भी आया था कि उसमें बेबी की पिक्चर हटा के आप नोनी की पिक्चर लगवाना, तो वहाँ उसमें ना हम अपना फैमिली फ्रेम लगवाएंगे, तीनों का फैमिली पिक्चर, और नोनू की 1-2 फ़ोटोज़ में अलग से निकलवाऊंगी फ्रेम बनवाने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे जाके देखनी है, सेलेक्ट करनी है फ़ोटो, ये काम करूँगी और उसके बाद जाएंगे दिव्या के घर। तो शाम का व्लॉग मैं शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल खाना बन रहा है हमारा, भट की चुड़का नहीं। नोनी आपने मेहंदी लगाई है, दिखाओ, गालों में भी कौन मेहंदी लगाता है बेटा, इसने पेन पकड़ा हुआ था। हाँ नोनी, तूने कहाँ कहाँ मेहंदी लगाई है बेटा, दिखा, सीधे हाथ में तो लगाया, दिखा, ऐसा करो ऐसा करो, ये देखो नोनी की मेहंदी, और ये देखो, वाह, मेहंदी डिज़ाइन हो गया हमारे। 4 बज गए अभी, नोनी और मैं रेडी हो गए हैं दिव्या के घर जाने के लिए, और ये मैंने ले लिया है फ्रेम है हमारा वो वाला, दिखाती हूँ मैं कौन सा वाला है, ये इसमें बेबी की पिक्चर बनी थी, इसके अलावा इसमें भट्ट हैं जो दिव्या ने मुझे घर से मंगाए थे, उस टाइम पे उनका घर आने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर मैंने ले लिए थे और फिर वो लोग भी घर चले गए थे, तो मैंने भी लिए थे, तो मैं उसको दे के आऊँगी आज। तो नोनी को मैंने बहुत मुश्किल से रेडी किया, वैसे 4:15 बजे निकलने का प्लान था, नोनी तैयार ही नहीं हुआ जल्दी से, तो चलिए अपना जल्दी से होके आते हैं, बहुत हवा चल रही है और जल्दी से घर वापस भी आना है। तो करीबन 5 बजे के आसपास हम दिव्या के घर पहुँचे और यहाँ पे दिव्या ने बहुत टेस्टी सा गर्मा गर्म पास्ता बनाया था और मैं समोसे लेके गई थी, लेकिन उस टाइम तक ठंडे हो गए थे, फिर दिव्या ने ओवन में गर्म करे, तो हमने खूब अच्छा सा चाय नाश्ता इंजॉय किया, और बच्चों को तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत खुश थे। ये प्यारी प्यारी बर्ड, इन्होंने एग दिए हैं, एक कहाँ गिरा है, फिर एक गिर गया था, मैंने 4 से जा ही नहीं रही बाहर को। ओहो, अब उसको थोड़ा अपने बच्चों की भूख रहती है, वो डर गई होगी अब। देखो देखो देखो, एग दिख रहे, हाँ वो देखो एग। नोनी आज किसके घर पे आए हो? अब करो, हाँ ये 4 एग देखा बेटा, एग देखो, एग देखो, बर्ड देखो उधर। Thank you.
नोमी और उसकी फ्रेंड। हाय बोलो बेटा। हाय नोमी। अब नोमी शर्मा गए। सबसे ज्यादा ठंड जो है ना नोमी को लग रही है इस पूरे घर में, इसने ग्लव्स। नोनी को यहाँ आने का मन नहीं हो रहा था, अब इसको जाने का मन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, दिव्या आंटी के साथ रहेगा। मैं आज नोनी हमारे साथ दिव्या से मिलवा देती हूँ। हाय दिव्या, मैंने बताया था अल्मोड़ा गए थे ये लोग, करीब गए थे एक महीना, ठंडा खाके आए, पहाड़ों की सैर करके पहाड़ों के मजे लेके आए, पहाड़ों की ठंड के बहुत गजब वाली ठंड पड़ रही है आजकल, बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन यहाँ उतना नहीं हो रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है, लेकिन इतनी हवा चल रही है ना दिव्या, लोग इतने ऊपर रहते हैं तो इतनी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ठंड हो रही है अभी भी, इसलिए मैं ये मोटा वाला स्वेटर पहन के आई हूँ। ये देखो अब नोनी का यहाँ मन लग गया है, जब मैं अभी लेके आई थी आ नहीं रहा था अंदर, शर्मा रहा था, अब देखो इसको। नोनी चल, शाम के 7 बज गए हैं, हम लोग आ गए दिव्या के घर से और नोनी वहाँ फुल मजे करके आया है, और वहाँ से ना नोमी के टॉयज उठा के लेके आया है 2 कार उसकी। मैंने बोला अपनी कार लेके, अपनी कार उसको दे दो, अपनी कार भी लेके गया था साथ में, वहाँ उसकी इतनी सारी गाड़ियाँ देखे, इतने टॉयज देखे, तो इतना खुश हो गया, वहाँ से आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, इवन उसके 2 टॉयज लेके आया था, और अब उसके टॉयज के साथ इतने मज़े से खेल रहा है वो। देखो बेटा किसकी कार है, नोमी, ये देखो। तो हमने वहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, करीबन 1.5-2 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे, इतना ठंडा होता है ना उनके वहाँ, बहुत हवा चलती है, तो फिर रास्ते में भी आते हुए बहुत ठंड लग रही थी, तो उन्होंने के पापा को मैंने वहीं बुला लिया था कि यहीं आ जाओ उनको लेने के लिए ऑफिस से, फिर वो सीधा वहीं पर आ गए, फिर हम लोग स्कूटी में आए साथ में, और काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद दिव्या से मिलके, आंटी जी से मिलके। नोनी के लिए सबसे पहले मैंने दलिया चढ़ा दिया, बाकी आटा तो मैंने गूंथ के रखा है, सब्ज़ी भी गूंथ के मैं मतलब सब्ज़ी बना के गई थी, तो इतना काम मेरा हल्का हुआ है, और सबसे पहले आते मैंने फ्रेश व्रेश हुई, उसके बाद मैंने दिया बत्ती करी है, फिर अब मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे फ़ोटोग्राफर के पास जाना था, वो काम भी मैंने कर लिया है, उससे मैं पेन ड्राइव लेके आई हूँ, तो जो फ़ोटोज़ एल्बम में डालनी है वो हम आज सेलेक्ट कर लेंगे, और फ्रेम में दे के आ गई हूँ, जो जिसका हमें फ्रेम बनवाना होगा वो फ़ोटो भी सेलेक्ट करके बता देंगे, इसका फ्रेम बनवा देना। दिव्या ने मुझे ये दी है पहाड़ी अरबी, इसको गडेरी कहते हैं, आपने देखा ही है, तो हम लोग नहीं लेके आए थे पहाड़ से क्योंकि बहुत सामान हो गया था, एक उसने दिया है तो हम एक दिन ये बनाएंगे, मुझे बड़ा मन हो रहा था ये खाने का, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अल्मोड़ा की बाल मिठाई ये बहुत टेस्टी हो रही है, मैंने वहाँ पे भी खाई, और ये है गज्जक, और ये दिव्या की मम्मी ने बनाया है, इसका कुछ नाम बताया था, और ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, टेस्टी मीठा मीठा सा, तो इतना सारा खाने पीने का सामान उसने दिया है, तो चलिए फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मुझे फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और भी बहुत सारे काम है। और अभी 9 बज गए हैं, हमारा डिनर हो गया था, तो मैं थोड़ा सा घर समेट लूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, काम हल्के हो जाते हैं ना इस तरह से, तो मैंने पहले से हैबिट बना के रखी हुई है, मैट वैट उठा के रख लो, क्योंकि जो भी कुछ खाना वाना गिरता है ना उसमें, तो फिर मैं उठा ही देती हूँ उससे अच्छा, ताकि सुबह झाड़ना ना पड़े जल्दी से। तो साथ में यहाँ पे कुछ कपड़े रखे थे सूखे हुए, ये भी मैसी देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर फोल्ड करने पड़ेंगे, अच्छा नहीं लगता ऐसे पड़े पड़े फिर उनको देखना, तो इसलिए मैं इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद नोनी तो चला गया था सोने के लिए, और उसके पापा फ़ोटोज़ देख रहे थे लैपटॉप में नोनी की, तो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी, आराम से बैठ के वो देख रहे थे। सबको मैंने दूध गर्म करके दे दिया है, और मैं भी यहाँ पर दूध पी लूँगी सबसे लास्ट में फ्री होके। 9:30 बज गए हैं और सारे काम मैंने निपटा दिए, डिनर भी हो गया है, दूध भी हमने पी लिया है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि आज पता नहीं बहुत दिनों के बाद हम लोग ठंड में इस तरह से बाहर निकले ना, और यहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है, सर में भी मुझे दर्द जैसा हो रहा है हल्का सा, और आज बड़ी ठंड भी लग रही, मुझे इंदौर में पहली बार ठंड फील हुई इतनी, अब धीरे धीरे ठंड बढ़ी रही है वैसे भी, तो इसलिए मैंने 2 स्वेटर पहनी हुई अभी, और नोनी दूध पी रहा है, पापा उसके वो फ़ोटोज सब वगैरह सेलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, पेन ड्राइव उस भैया ने हमको दिए है ना पेन ड्राइव, उसमें से 400-500 फ़ोटो है नोनी की, उसमें से हमें मैक्सिमम 50 फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, फिर बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो वो सब करते हैं अभी। आज मैंने अपने ईयरिंग जो है गोल्ड वाली वो निकाल दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी, उसकी पेंच पीछे से बहुत ज़्यादा चुभ रही थी सोते टाइम, इस वाले में इतना चुभ रही थी कि इचिंग हो रही थी बार बार, और इचिंग की वजह से यहाँ पे ब्लड भी आने लगा, तो मैंने निकाल के वापस फिर लॉन्ग डाल लिया, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी नया। और फिलहाल नोनी जो है, नोमी भैया की कार लेके बड़ा खुश है आज, इसने अपनी कार को छोड़ दिया है बेचारी, इसकी पुरानी कार, और नोमी भैया कितना प्यारा है नोमी भैया, देखो उसने अपनी कार दे दी नोनी को। तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, मिलते हैं विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।